मुझे आपके साथ हैवी व्हीकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज डोंट ड्राइव। लेकिन मैं 10 व्हीलर चला लेता हूँ। मुझे पता है चला लेते हैं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन, ओह माय गॉड, मैं भी मरना नहीं चाहती। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, आज तो मैंने 10 व्हीलर देखा है। कहते हैं जी, हर इंसान की नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें होती हैं। सो एक नन्ही मुन्नी ख्वाहिश हमारी ये भी थी कि हम हैवी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको देखें, उनमें बैठें और उनको ड्राइव करें। सो जनाब, देखने का शौक हमने पूरा किया, मंडी मोड़ के रोड पर ये खूबसूरत सी गाड़ी देखें। पाकिस्तान की खूबसूरत ट्रक कार्ट देखने के लिए हम स्पेशली मंडी मोड़ गए और वहाँ पे हमने खूबसूरत ट्रक देखे तो यकीन कीजिए कि आंखों को सुकून आ गया। और मज़ीद यहाँ तक नहीं, बल्कि एक ट्रक में बैठकर हमने उस ट्रक को अंदर से भी देखा। सो नेक्स्ट वीडियो को देखिए। ट्रकों के पीछे चलते चलते जनाब एक ख्याल मुझे ये भी आया कि वो लोग, वो रिश्ते जो आपको जो है ट्रक की बत्ती की तरह ट्रीट करते हैं, उनको हमेशा के लिए गुड बाय कह देना ही बेहतर होता है। और ये बंदा दूसरी शादी कर लेगा, है ना? किसी मजे की बात आपको बताते हैं कि हमने अभी क्या किया है, करने लगे हैं उनको पॉइंट्स लगा के। हमने अभी ये किया कि वी हैव अ ट्रक हियर और हम लोगों ने कहा कि हम बैठ के ट्रक को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो है वो ट्रक में बैठ के कभी वीडियो नहीं बनाई, इवन मैं बैठी हुई भी नहीं हूँ, ठीक है। सो ये मेरी बड़ी विश है कि मैं जो है वो ट्रक में बैठूँ, चलाऊँ भी, लेकिन चलाने वाली विश अभी पूरी नहीं हो सकती बिकॉज मेरे रेडियो शो का टाइम होने वाला है। सो तो आपको दिखाते हैं कि ट्रक का जो ड्राइवर कैबिन होता है वो किस तरह का होता है, ड्राइवर के बैठने की जगह, फिर ड्राइवर कहाँ से जो उसको ड्राइव कर रहा होता है किस अंदाज में, और जब लॉन्ग ड्राइव के दौरान ड्राइवर को रेस्ट की जरूरत पड़ती है तो पीछे सोने के लिए जो जगह बनाई गई होती है वो भी, सोने की जगह भी होती है जी, बिल्कुल। अच्छा। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस मैंने तरह नहीं से देखी जो है। पहले तो चलें, आज हम आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको ट्रक का इंटरनल व्यू। लेट्स गो। ओके जी, लाइट ऑन, चलने दो, चलने नहीं, आप लोग रुको, हम आते हैं। आप लोग नीचे क्या करोगे? यहाँ पे लाइटिंग बड़ी फिट आती है, यहाँ पे हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ऊंचा है, मैं ऊपर कैसे बैठूंगी यहाँ पे? और दूसरा आप दूसरी साइड से यार, ट्रक ले लें आप, एक हमारा अपना ट्रक होना चाहिए। ओके जी, देख ना स्टार्ट ना हो जाए। ओके जी, ये स्लीपिंग प्लेस है? ये स्लीपिंग प्लेस है जी, ठीक है। ये लॉन्ग ड्राइव के दौरान जब ड्राइवर जो है वो रेस्ट, नहीं नहीं बिगाम रहा हूँ, स्टार सालों तो मैं मार सा, नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। इटू देवड़न? नहीं नहीं, इटू रही नहीं नहीं, ठीक है। ये क्या किया आपने? मुझे आगे आके रिकॉर्ड करने दें। देखिए पहले कंट्रोल रखें। मुझे आपके साथ हैवी व्हीकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज डोंट ड्राइव। लेकिन मैं 10 व्हीलर चला लेता हूँ। मुझे पता है चला लेते हैं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन, ओह माय गॉड, मैं मरना नहीं चाहती। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, आज तो मैंने 10 व्हीलर देखा है। 10 व्हीलर नहीं, सॉरी, लेकिन चलाएंगे नहीं। स्टार्ट लेना हो ड्राइविंग के लिए तो हमेशा सेकंड गियर में आप चलाएंगे। सेकंड गियर में? फर्स्ट गियर से नहीं, फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा तंग करती है। आप रेस दे रहे हैं? अच्छा जी, लाइट्स ऑन की आपने, ओके, लेकिन आप प्लीज गाड़ी ऑफ कर दें, वरना मुझे ना हार्ट हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ओके, इंडिकेटर आपने ऑन किए, ठीक है, प्लीज ऑफ कर दें। मैं आपकी अच्छी वाइफ बनूंगी, कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करूंगी। स्विच ऑफ। हाँ, और अभी गाड़ी का ये वाला जो पोर्शन है, स्टीयरिंग पोर्शन, यानी कि डैशबोर्ड वगैरह, ये हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लाइट ऊपर चेक करें यार, कितने मजे की लाइट है। थिश पूरी हो रही है, आई एम हैप्पी। यस,
तो ये जी गाड़ी का डैशबोर्ड आप देखें कि कितना जो है वो हाइट पे हम लोग इस टाइम पे जमीन पे बैठे हुए हैं। और ये गाड़ी के ऊपर जो दराज वगैरह बने हुए होते हैं छोटी मोटी चीजें रखने के लिए, जिनमें आप अपना वॉलेट वगैरह, टेलीफोन चार्जर और इस तरह की छोटी मोटी चीजें आप रख सकते हैं लाइक हम अदर कार्स में जैसे रखते हैं। तो फाइन, इसमें मिरर होता है वो जैसे वाइफ वाली सीट पे ऊपर मिरर लगा होता है? नहीं जो वाइफ के लिए यहाँ पे होता है उस पे लाइट भी होती है, मेकअप सेट हो जाता है? नहीं है। अच्छा चलो ठीक। और जिस दिन हमारे पास टाइम होगा उन्होंने तो कहा आप ड्राइव भी कर लें, बट अभी टाइम नहीं है। सो फिर आपने भी ड्राइव करना है एंड देन मुझे भी आपने ड्राइविंग सिखानी है, ठीक है? फिर लर्निंग पे जो है मैं इसको ड्राइव करूंगी, ठीक है जी? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ेंगे। आजकल के जमाने में जहाँ भी डीजल फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो है वो कितनी 4 से 6 घोड़े रखना आई थिंक सो इक्वल है, क्योंकि एक गाड़ी का एक्सपेंस इतना ज्यादा, आप इसका मोबिल ऑयल वगैरह का खर्चा और इसकी डेली की मेंटेनेंस वगैरह ये वो सारा कुछ छोटे मोटे जो काम निकालती है गाड़ी, और फिर अर्निंग के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो काफी बात ऊपर तक चली जाती है। तो जनाब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके। गुड बाय।